हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। यहाँ पर विदेश मंत्री की बात हो रही है तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टीव जॉब्स का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप करने के लिए स्टीव जॉब्स ने काफ़ी वर्क किया है दोस्तों, और ये एप्पल के संस्थापक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जो सोनोग्राफी जो मशीन है उसका दुरुपयोग हो रहा है तो भ्रूण का जो लिंग निर्धारण में किया जाता है, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही जांच लिया जाता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की, ये सोनोग्राफी मशीन का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन वफेलोज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो इसकी स्थापना की गई थी 1985 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए प्रतीत होते हैं। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की जो घूर्णन करती है उसके कारण ये दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने निकोबार जो द्वीप है, अंडमान जो निकोबार द्वीप है उसका क्या नामकरण किया, तो इसे स्वराज द्वीप नाम दिया था दोस्तों। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, जो सी ए डी का क्या तात्पर्य है। तो सी ए डी जो फुल फॉर्म है वो सी का मतलब होता है कंप्यूटर, ए का मतलब होता है एडिट, डी का मतलब होता है डिजाइन, तो सी ए डी की ये फुल फॉर्म होती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो, जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है का चौथा महत्वपूर्ण नगर जो गुजरात के खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के तट पर मिला है उसका क्या नाम है दोस्तों, लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है, तो 21 जो उपक्रम है वो नवरत्नों की श्रेणी में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सातवीं जो योजना है की अपेक्षा आठवीं योजना में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो 2% अधिक वृद्धि हुई है आठवीं पंचवर्षीय योजना में एज कम्पेयर टू सातवीं पंचवर्षीय योजना के। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख सके दोस्तों, और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।